गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हाय नहीं बोला ऐसा हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू माय चैनल वंस अगेन एंड आई होप दैट यू बीइंग अमेजिंग एज ऑलवेज। एंड आज का वीडियो थोड़ा सा अलग और स्पेशल होने वाला है, सो आई विल बी डूइंग माय मदर लॉस मेकअप टुडे। आपको कैसा लग रहा है बैठ के? आज मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, फर्स्ट टाइम मतलब कैमरा के सामने मेकअप करा रहे हैं। सही में देखते हैं क्या होता है, देखते हैं कैसा होता है। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। सो आई एम यूजिंग मीमी वाइप्स टुडे। मीमी वाइप से पूरा फेस क्लीन करेंगे बिकॉज मेकअप से पहले फेस क्लीन करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है एंड बार बार इसकी रैपिंग खुल जाएगी। लिटिल वैसलीन एज अ लिप बम फॉर हाइड्रेशन, क्योंकि जब तक हम हमारा मेकअप करेंगे तब तक लिप्स जो है वो हाइड्रेटेड हो जाएंगे, सो लिपस्टिक कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी, बी इट मैट बी इट वॉट एवर। सो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग यू कैन डू इट। सो मॉइस्चराइजर के लिए आई एम यूजिंग सीटाफिल मॉइस्चर लोशन। आप कोई भी मॉइस्चराइजर ले सकते हो बट आज के लिए सीटाफिल, एंड ये बहुत अच्छा मॉइस्चराइजर है। आई मीन इन जनरल भी अगर किसी को यूज़ करना है तो दिस इज अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर कोई भी यूज़ कर सकते हैं, हाँ अकॉर्डिंग टू स्किन टाइप, मतलब जैसे आपकी स्किन ऑयली है डिपेंड करता है, स्किन के ऊपर डिपेंड करता है। ये नॉर्मली जो है वो थोड़ा सा ड्राई स्किन वालों के लिए है, बट क्वांटिटी अगर कम लगाओगे तो वो उसमें भी चल जाएगा। और मेकअप के लिए मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा है। कलर करेक्शन के लिए मैंने लिया है एल ए गर्ल प्रो कंसील कंसीलर इन द शेड ऑरेंज। ऑफकोर्स ऑरेंज कलर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारे फेस पर बहुत सारी डार्कनेस होती है, सो मे बी अंडर द आईज, माउथ के पास, और डिपेंड करता है स्किन टाइप। जैसे बहुत लोगों के फोरहेड के पे भी होती है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करेक्ट करके कंसील करने का, नहीं तो बेस जो है वो पूरा ग्रे हो जाएगा एंड इट नॉट लुक गुड एट ऑल। आपको पता था ऐसे ऑरेंज कलर करके कुछ लगाते हैं मेकअप में? इसे कुछ आइडिया था कभी? नहीं, कुछ आइडिया नहीं था। डार्कनेस जिधर है उधर ही लगाना है। हाँ, जिधर जिधर डार्कनेस है, जैसे माथे पे होती है, घर पे, आँखों के नीचे डार्क सर्कल, सब कुछ। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली फाउंडेशन लगाएंगे ना थोड़ी देर बाद वो ग्रे 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 लगने लगेगा। आप सोचो ब्लैक कलर के ऊपर, क्योंकि ये सब चीज़ें ब्लैक है, ब्लैक कलर के ऊपर व्हाइट कलर लगाएंगे तो मिक्स होके ग्रे हो जाता है ना, वैसे ये भी पूरा ग्रे हो जाएगा अगर ऐसे करके नहीं करेंगे। सो इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए मैं 2 से 3 शेड डार्कर कलर लेके उसको न्यूट्रलाइज करूँगी। उसके बाद ब्यूटी यूजिंग फाउंडेशन, जो भी ऑरेंज है वो करेक्ट करके कंसील करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट फाउंडेशन लगा देंगे तो उसमें ऑरेंज कई बार दिखने लगता है, तो अगर वो ना दिखे उसके लिए पहले से हमको न्यूट्रलाइज करना होगा, फिर हम जाके फाउंडेशन लगा सकते हैं। सो नेक्स्ट हमने फाउंडेशन के लिए एले गर्ल की फाउंडेशन लिए। मैंने एक्चुअली 2 शेड्स मिक्स किए हैं शेड मैच करने के लिए। सो मैं ब्रश से लगाना पसंद करती हूँ, आप डायरेक्टली ब्लेंडर कैसे भी लगा सकते हैं। आप नॉर्मली फाउंडेशन यूज़ करते हो? मम्मी भी 500 रुपए देके रेडी हुई थी मम्मी की शादी में। मैं तो घर में ही किया था क्योंकि मेरा सिस्टर जो है वही कर दिया था, तो घर में जो था वही सामान लेके उसी टाइम हम लोग को ऑनली फेस पाउडर और लिपस्टिक उसी और को गालों पे लगाना था। रोज का कुछ रोज ये था गालों में जैसे रेड लगाने के लिए, और बिंदी और लिपस्टिक, बिंदी और लिपस्टिक, और चंदन था, चंदन में डिजाइन करते थे चंदन से, बस बस। तो तो कितना सारा मेकअप का सामान मिलता है ना, पहले का देखने से पता चलेगा पहले का कौन इतना सारा सामान का। अभी तो कहीं बाहर भी जाना है तो भी मेकअप नहीं, मेरे को अच्छा लगता है मेकअप करने में। कभी पता नहीं था, कभी बोला नहीं था कि एक्चुअली ऑफिस के टाइम पे नहीं। सही में मैं सच में बोल रही हूँ, मैं डांस क्लास ज्वाइन किया था मेकअप के लिए, मेकअप के लिए। सही में मैं बचपन से मैं बहुत मतलब मेकअप करते थे तो मेरा मम्मी ने बोला ठीक है डांस क्लास ज्वाइन कर ले,
क्योंकि फंक्शन होता था, प्रोग्राम होता था, उसी टाइम मेकअप करना पड़ता था तो मेरे को इसीलिए मैं वो मेरा मम्मी ने बोला ठीक है तू डांस क्लास ज्वाइन कर ले ताकि मेकअप करने का मेकअप करने के लिए मौका मिले। सही में तो उसी टाइम घर में कौन मेकअप करता था बताओ। मैं तो खुद ही मम्मी के लिपस्टिक चुरा चुरा के लेके जाती थी और वो लगाते रहती थी। और सही में हम लोग उसी टाइम ओनली पूजा के टाइम में कुछ शादी बड़ी हो उसी टाइम मेकअप करते, मतलब मेकअप मतलब वही ओनली स्नो पाउडर लिपस्टिक, लिपस्टिक भी तब भी मम्मी उसी टाइम बोलते चिल्लाते थे तो फिर लिपस्टिक लगाने से ठोट खराब हो जाएगा। काजल लगाने के लिए खुद मतलब घर में खुद बनाते थे काजल, वो जो दिए में दिए में घर में खुद काजल बनाते थे उसमें काजल लगाते थे, बाहर से खरीदा हुआ काजल नहीं लगाया था। लूज पाउडर के लिए मैं लॉरा मर्सियर का ट्रांसपेरेंट लूज पाउडर यूज कर रही हूँ और देखो ब्लेंडिंग इट फर्स्ट ताकि कोई भी अंडर आई लाइन ना आए और उसके बाद पाउडर टेस्ट। जो मेकअप कर रहे थे वो कितना टाइम तक रहता है? रहता है 6 से 8 घंटे ये प्रोडक्ट्स के साथ। अच्छा, और प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, अभी तो कॉस्टिंग अलग होती है मेकअप की। कुछ लोग तभी तो कम में करते हैं, कुछ लोग तभी ज़्यादा में करते हैं। ऑफकोर्स एक्सपीरियंस भी मैटर करता है लेकिन प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है। डस्टिंग ऑफ एक्सेस पाउडर जो भी बच गया है ताकि बहुत ज़्यादा पाउडर ना लगे। ब्लश के लिए मैं आई मैजिक की पैलेट यूज़ कर रही हूँ और मैं ये दो शेड मिक्स करके डस्ट ऑफ करके विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट देन वो अप्लाई करूँ। अगर ब्लश को रूज बोलते थे ना इसी नाम से बिकता था, मरून रेडिश रेड कलर का इतने से बॉक्स में छोटा वाला इतना बड़ा सा बॉक्स और अभी जो आंखों के ऊपर लगाते थे ना चुमकी, हम लोग बोलते थे चुमकी ग्लिटर्स। पहले बोलते थे हम लोगों को चुमकी बोलते थे, चुमकी लगाना तो गल में भी लगाते थे थोड़ा 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 करके वो आंखों के ऊपर भी लगाते थे और उसी टाइम बोलते थे चुमकी। कलर एसेंस का कॉन्टोर फॉर लिटिल बिट ऑफ कॉन्टोर एंड ब्रॉन्जिंग, वेरी लिटिल नॉट टू मच। हाईलाइटर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ मेबलिन का मास्टर क्रोम हाईलाइटर विच इज माई फेवरेट इन दिस शेड 100 मोल्टन गोल्ड। तो नॉर्मली जो भी हाईएस्ट पॉइंट ऑफ आर फेस है उसको जो भी यूजुअली व्हाटएवर आई हाईलाइट आई एम जस्ट डूइंग द सेम थिंग। तो बेस को एक बार सेट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ वी कोड का सेटिंग स्प्रे। आंखें बंद कर लो। फॉर द आईब्रोज एंड टेकिंग दिस PSE का आईब्रो किट जिसमें है 4 कलर्स जो कि बहुत अमेजिंग। सो पहले आईब्रो को मैं ब्रश करूँगी थोड़ा बहुत ताकि एक्स्ट्रा फाउंडेशन उधर से उतर जाए और फिर उसको धीरे धीरे सिलेक्ट करेंगे। पहले आईब्रोज में आपको पता है सिर्फ ब्लैक कलर आता था फिल करने के लिए। पहले तो पेंसिल से भी होता था, ओनली पेंसिल था, पाउडर्स नहीं आते, पाउडर्स नहीं थे, लेकिन तब भी सिर्फ ब्लैक कलर का ही एक आता था जिससे फिल करते थे। लेकिन अब क्योंकि पूरा मेकअप सब कुछ आ गया है तो ब्लैक हम इतना यूज़ नहीं करते, जो कि ब्राउन के शेड्स हैं वही ज़्यादातर यूज़ करते क्योंकि ब्लैक बहुत ही अलग दिखता है, बहुत ही ज़्यादा डार्क दिखेगा पूरे फेस से, बहुत ही अलग हो जाएगा। इतना कुछ चेंज हो गया इतने सालों में मेकअप का, मतलब मिक्स करके लगा रहे हो इसको? हाँ मतलब अभी फिलहाल तो यही कलर लगाया है, फिर इसको भी थोड़ा सा मिक्स करना होगा। टाइम के साथ साथ सब कुछ चेंजेस हो रहे हैं, पहले पेंसिल था, पाउडर्स हैं, जेल्स हैं, और पेंसिल्स भी हैं, वैक्स है, आपको पता है सोप भी आता है आईब्रो सोप। अच्छा। मतलब सिर्फ सोप लगाओ, सोप ही है वो, है साबुन ही। अच्छा। उससे थोड़ा शेप देके तो अभी कितनी सारी चीज़ें आ गई है, पहले कैसे सोचा था कि साबुन भी कभी आईब्रो पे लगाएंगे। आई मेकअप कैसे कलर में चाहिए? बहुत ही हल्का। तो गोल्ड में चाहिए, ब्राउन्स में चाहिए, पिंक में चाहिए, बहुत ही हल्का। So eyes के लिए I'm using this Forever 52 की professional palette and I'm using this light brown shade
क्रीज में डालने के लिए। नेक्स्ट आई एम यूजिंग अ लिटिल डार्कर ब्राउन शेड ताकि क्रीज थोड़ी सी डीप ना हो जाए। नेक्स्ट मैं दो गोल्ड शेड को मिक्स करके जस्ट इनर 3/4 में अप्लाई कर रही हूँ एंड देन उसके बाद एक ब्रश से इसको ब्लेंड कर रही हूँ। सेम लाइट ब्राउन शेड को लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ। ब्राउन लाइनर लगाना है कि ब्लैक? ब्लैक ब्लैक ठीक ब्लैक ओके ओके। यूजिंग रिकॉर्ड का ऑल दैट शी वांट्स पेरा रोशी का मस्कारा यूज करेंगे। आंखें बंद करो, मैं खुद खोलूंगी तो नीचे देखना। लिपस्टिक कैसे टाइप के लगाओगे? लाइट पिंक ब्राउन रेड मरून मरून या मरून नहीं मरून नहीं नहीं तो फिर ब्राउन पीच जैसे कि ऐसा कुछ नहीं तो ऐसा कुछ ये अच्छा है ये अच्छा है। सो स्पैनिश कॉफ़ी फ्रॉम लवर। तो पहले हम लिप्स को लाइन करेंगे विथ शैम्बोर का ब्राउन कलर का लिप लाइनर। सो लास्ट स्टेप के लिए आई एम यूजिंग फॉरएवर 52 की मेकअप सेटिंग स्प्रे। सो हमने किए हैं बालों में थोड़ा थोड़ा कर्ल्स एंड दिस इज द फाइनल लुक। सो कैसा लगा आपको ये लुक? बहुत अच्छा लगा। मेरा हस्बैंड तो मेरे को कहते हैं हस्बैंड को वीडियो कॉल करते हैं हम नहीं बट इन जनरल मतलब मैंने क्या इसलिए नहीं पूछा वैसे सच में कैसा नहीं सही में मैं बोलूँ सिंपल सा मेरे को अच्छा लगता है। अच्छा लगता है अच्छा लग रहा है सच में। हाय मैम थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। और उनको बोल दो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए। लाइक कर दो, लोगों को सबको अच्छा लगे तो लाइक करो एंड शेयर करो सबको बहुत ज़्यादा बहुत 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 ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ठीक है ओके ओके। सो आई विल डेफिनेटली सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर बाय।